नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी विधायकों के गाड़ियों से मिला नोटों का बंडल, उसके बाद कांग्रेसी विधायकों की गिरफ्तारी, तो वहीं फिर कांग्रेस के तरफ से लगाया गया आरोप कि इस खेल के पीछे भाजपा का हाथ। इस मामले ने पकड़ लिया है तूल। झारखंड का राजनीतिक पड़ा चढ़ा हुआ है। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह कांग्रेस और झामुओं पर जमकर निकाले भड़ास। मानसून सत्र का दूसरा दिन, विधानसभा के बाहर सुबह 10 बजे से ही भाजपा के विधायक हाथों में कुदाल और सर पे टोकरी, तो वहीं परिधान में धोती और गंजी पहने लगातार हेमंत सरकार पे शब्दों का प्रहार करते दिखे। सदन के अंदर बाहर चलता रहा हंगामा। तो वहीं भाजपा विधायकों की मांग, झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो। 3436,56,36,000 का अनुपूरक बजट सदन में पेश हुआ। हालांकि कटौती प्रस्ताव की चर्चा 2 बजे के बाद होनी थी, लेकिन भाजपा विधायकों के झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग के मद्देनजर, या यूं कहें कि सदन में हंगामे को देखते हुए, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उरांव से बजट को लेकर बात करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब तक सदन में बहस नहीं हो जाती मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। तो ये साफ कहा जा सकता है कि आज सदन हंगामे का भेंट चढ़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में नोटों के बंडल मिलने के बाद जो विधायकों की हुई गिरफ्तारी, उसके बाद आज पहली बार भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा इरफान अंसारी को फंसाया जा रहा है। लेकिन आखिर कौन फंसा रहा है? तो वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा सबको जाना होगा जेल। लेकिन कौन जाएंगे जेल? क्या कुछ कहा सदन के बाहर भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने, तो वहीं भानु प्रताप शाही ने। देखते हैं खबर को विस्तार से। चलिए क्यों क्यों जेल में घुसता खिलाना होगा। देखिए, यह जो झारखंड शर्मसार हुआ है, कलंकित हुआ है, यह कांग्रेस और जेएमएम के साजिश के चलते आज पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता सर झुका करके बैठी हुई है। सरकार इनका, पश्चिम बंगाल में सरकार इनका, यहाँ की पुलिस इनकी, पश्चिम बंगाल की पुलिस इनकी, कांग्रेस के विधायक इनके, पैसा भी कांग्रेस का, और तोहमत ये दूसरे पर लगा रहे हैं। इनकी साजिश का भंडाफोड़ होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी जांच होना चाहिए, और हेमंत सोरेन को भी बर्खास्त करना चाहिए और सत्ता से कान पकड़ के उतारना चाहिए। अरे भाई, किसका सरकार यहाँ है? किसका सरकार बंगाल में है? पुलिस दोनों जगह पर किसकी है? पैसा किसका है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोट हुआ, उस बदनामी को छुपाने के लिए अपने विधायकों को बलि का बकरा कांग्रेस और जेएमएम ने बनाने का काम किया है। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से कल जो कार्रवाई हुआ है उसके बावजूद बातें हुई है, लेकिन हम इरफान अंसारी और रणधीर सिंह के बीच लगातार नोकझोंक होते रहती थी। हम रणधीर सिंह हैं, कल के मामले को लेकर के उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि रणधीर जी, ताकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और कांग्रेस के विधायक अगर पैसा लेकर कहीं जा रहे थे, पैसा किसने दिया, कहां से पैसा लेकर जा रहे थे, और बंगाल में भी टीएमसी की सरकार है, असम में हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार ने साजिश के तहत उन विधायकों को कांग्रेस से नकल कसने के लिए कार्रवाई किया। भाजपा सरकार गिराने अस्थिर करने इसके पहले भी, इसके पहले भी तो सरकार गिराने के आरोप लोगों ने लगाए थे। जांच हुआ, सब्जी वाला ठेला वाला को लोगों ने पकड़ा, आए तो चार्जशीट नहीं दे पाई सरकार ने, सरकार आए तो प्रूफ नहीं कर पाई किसने कहा, कौन सरकार गिराना चाहता था। इसीलिए जब कोई बदनामी, अपनी बदनामी को, नाकामी को झापने के लिए, और हमेशा सरकार गिराने का एक सुफुका यहाँ का है, हमें सरकार छोड़ने का काम हमेशा करती है। और जहाँ तक वो तीनों विधायकों की बात है, तीनों विधायकों को मैं कहता हूँ कि हेमंत सरकार ने साजिश के तहत, हेमंत सरकार ने फंसाने का काम किया है। पिछले बार भी है जो विधायक कांग्रेस के अनूप, उन्होंने कंप्लेन एफआईआर करके, इस बार तो अनूप सिंह जी ने को, अनूप सिंह को किसी ने ऑफर दिया था, पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला ये बात को? जब कोई घटना घट जाती है तभी वो उससे बुखार छोड़ते हैं। वो इसके तार आसान से जोड़ के देख रही है,
बोलने से नहीं, उसको साबित करना पड़ेगा ना। आप साबित करिए, सरकार है, जांच कर साबित करो ना। आप इसी सवाल पे कांग्रेस बचते नजर आए, कल इसी सवाल पे कांग्रेस बचते नजर आई। तो ये तो कांग्रेस के विधायक ने राष्ट्रपति चुनाव में आत्मा की आवाज पर जो वोट देने का काम, यहाँ द्रौपदी मुर्मू चुकी, यहाँ पर राज्यपाल रह चुकी थी और आदिवासी समाज से आती थी, तो बहुत से ऐसे कांग्रेस के माननीय विधायक को अपने अपने क्षेत्रों में आदिवासी वोट लेना है, तो लोगों ने वोटिंग किया। तो अब इसका गुस्सा में आके जो इस तरह साजिश के तहत को फंसाने का काम किया है, बस इसका भाई कोई भी विधायक बिकेगा इतनी कम राशि में बिकेगा, आप सोचने वाली बात है। तो दूसरी बात यह है कि मान लीजिए इसके पहले भी आरोप लगाया था सरकार गिराने का, आपने क्या साबित किया, क्या फलाफल उसका निकला, उसका चार्जशीट आज तक नहीं दी जो कोर्ट को आप दे पाए, लोग बाहर निकल गए। इस तरह से आरोप लगाने से नहीं होता है। कांग्रेस और जेएमएम आज पूरी तरह से जनता के बीच में नंगा हो चुकी है और जनता से बचने के लिए, जनता को दिभ्रमित करने के लिए प्रयास है। इरफान अंसारी कितने करीबी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ लोग देखिए बिल्कुल मैं यही जानना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ बातें आ रही है साड़ी खरीदने की, इतनी जल्दीबाजी क्या है कि कांग्रेस के द्वारा सस्पेंड किया जाता है तीनों विधायकों को? साड़ी खरीदने की बात मैं निश्चित रूप से मैं जानता हूँ। इरफान अंसारी जी हर साल अपने विधानसभा में हजारों हजार साड़ी बांटते हैं, ये बात सच्चाई है। वो कलकत्ता से मार्केटिंग करते हैं, ये भी बात सच्चाई है। ये साजिद के तहत उनको फंसाया गया है। तो आपने सुना, साजिद के तहत फंसाया गया है इरफान अंसारी को, ये रणधीर सिंह का कहना है, भाजपा विधायक हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।